लोरालाई में डेरा गाजी खान रोड टिंगरी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 23 अफराद जान बहक। शरपसंदों ने 10 गाड़ियों को आग भी लगा दी। लोगों को ट्रकों और बसों से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। एसपी मुसाकेल अयूब अचकजई, लेविस और एफसी एहलकार जायवकुआ पर पहुंच गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुसाकेल के करीब दहशतगर्दी के वाकये की शदीद मजम्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चहलुम के जुलूस, कराची में चहलुम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस निश्तर रोड से बरामद होगा और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में जुलूस के रूट पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक सड़क बंद रहेगी। नाजमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लजबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को तीन हट्टी से लजबेला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शारे कायदीन से नुमाइश जाने वाली गाड़ियां कश्मीर रोड से जा सकेंगी। लाहौर में चहलुम शहदाए करबला का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली दरवाजे से बरामद, 7000 से ज्यादा पुलिस अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। करबला के चहलुम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। मुल्क भर के हसास इलाकों में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहने का इम्कान। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों की फजाई निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फोन सर्विस बंद। नॉर्थ कराची, नासिमाबाद, लियाकतबाद, PIB समेत दीगर इलाके शामिल। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बारिशों का जोरदार स्पेल शुरू हो गया। छाछड़ों और मिट्टी समय जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन, सांगढ़, घोटकी, सखर और खैरपुर में शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा, मुतालिका महकमों को इंतबाह जारी। कराची में मुतवक्के बारिशों के बाइस रेन एमरजेंसी नाफिस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया। शहर में मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया। वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में सुस्तरवी कबूल नहीं। एक माह के अंदर तमाम दफातर फाइलों पर काम ई फाइल के जरिए होगा। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। ई ऑफिस पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के फरोग और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नहायत कलीदी इकदाम है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील से मुतल्लिक जायजा इजलास। पाक PWD की तहलील के हतमी मराहिल और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जारी मंसूबों की सूबों और मुतल्लिका इदारों के मुंतलिक का हतमी लायमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग मामलात पर अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास, दोनों जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत इत्तेहाद के तहरीरी माहदे पर मुशावरत। कुछ निकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने पर इतफाक। दोनों जमातें माहदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर मुतफ़िक। हुकूमत कानून साजी, बजट और तमाम पॉलिसीज पर कबल अज़ वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की पाबंद होगी। फरीकैन का इतफाक, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने पर भी इतफाक। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि पीपल्स पार्टी में इक्तदार की जंग है। हम इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारा फोकस महंगाई और लाकानूनियत को कम करना है। एक जेली कमेटी बनाई गई है जो मसाइल को देखेगी। अवाम को आर्जी नहीं, मुस्तकिल रिलीफ देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा की पंजाब में बिजली रिलीफ पर तनकीद।
सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं का राज है। पक्के डाकुओं को पंजाब में पावर शेयरिंग की पड़ी है। कच्चे के डाकू लूटते हैं, जान ले लेते हैं। पक्के के डाकू कौम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। कच्चे के डाकू मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बी टीम है। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कच्चे के डाकुओं को सिंध और पंजाब के व्हाइट कॉलर डाकुओं की पूरी सपोर्ट हासिल है। सिंध और पंजाब के हुक्मरान कच्चे के डाकुओं को असलहा फराहम करते हैं। जब तक व्हाइट कॉलर डाकू नून लीग और पीपल्स पार्टी का खात्मा नहीं होगा, तब तक कच्चे के डाकू भी दिन दनाते फिरेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निजाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2020 और 21 ऐवान में पेश की जाएगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास 28 अगस्त को तलब कर लिया। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरक इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। पीटीआई को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। बानी पीटीआई ने जलसा नाकाम होता देखकर मंसूख किया। आजम सवाती ने जेल में जो गुफ्तगू की वो मंजर आम पर आ जाएगी। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। पीटीआई कई हिस्सों में बढ़ चुकी है और अपनी अहमियत खो चुकी है। पीटीआई गिरती मकबूलियत संभालने के लिए झूठे बयानियां बनाती जा रही है। पीटीआई का मकसद झूठा बयानियां बनाकर दोबारा 9 मई करना है। बानी पीटीआई से लेकर नीचे तक उनकी पार्टी में सब चोर हैं। पाकिस्तान की वहदत को खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को बुज़दार 2 करार दे दिया। मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम भयानक होता है। जिन्होंने मुल्क को दोलख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूं, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पहले भी वजीर खजाना रहा, इस बार मुझे कई जिम्मेदारियां मिली हैं। हमने नवाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया था। शहबाज शरीफ दिन रात तमाम महाज पर मेहनत कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया टॉक। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर खत्म। हमास और इसराइल ने सालसों की मुतअद्दिद तजावीज पर इत्तफाक नहीं किया। इसराइल ने गजा जंगबंदी पर हालिया बातचीत में गजा मिस्र बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने की शर्त रखी थी। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान ने कहा, गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंगबंदी तजावीज पर कायम है। इसराइल की दी गई शराइत को मुस्तरद करते हैं हमास के रहनुमा उसामा हमदान का रद्द अमल। इसराइल हिजबुल्ला के दरमियान कशीदगी। अमरीका इसराइल की मदद के लिए तैयार। अमरीका हिजबुल्ला से निमटने के लिए इसराइल को हर तरह की मदद फराहम करेगा। लॉयड ऑस्टिन की इसराइली दिफा के लिए 2 जंगी एयरक्राफ्ट अलर्ट रखने की हिदायत। अमरीकी वजीर दिफा ने इसराइली हम मनसब को फोन करके इमदाद फराहम का यकीन दिलाया। लॉयड ऑस्टिन इससे कबल भी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को भी मदद की यकीन दहानी करा चुके। अमरीका अपने 2 बड़े और जदीद तैयारे सरदार बहरी बेड़े भी इसराइल के नजदीक समंदर में तैनात कर चुका। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच में हरा दिया। पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने शाहीनों को काबू कर लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाकर कुछ मजामत दिखाई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अब्दुल्ला शफीक 37, कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22 रन बना सके। ओपनर साइम अयूब 1 रन, सऊद शकील और सलमान आगा खाता खोले बगैर चलते बने। मेहदी हसन मिराज ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 शिकार किए। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर सवाल उठ गए। स्पेशल स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया गया? बैटर्स ने गैर जिम्मेदारा शॉट्स क्यों खेली? जल्दबाजी क्यों दिखाई गई?
शाहीन शाह अफरीदी समेत फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस कहां खो गई। कप्तान ने पहली इनिंग जल्दी डिक्लेयर क्यों की, मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी क्यों ना होने दी गई। पिच समझने में गलती की, टीम में स्पेशलिस्ट स्पिनर का ना होना भी गलती थी। शिकस्त पर शायखीन से माजत खां हैं, बतौर टीम अपनी गलतियां कबूल करते हैं। टीम की कारकर्दगी बहुत मायूसकुन थी। मैच को दिलचस्प बनाने के लिए पहली इनिंग्स डिक्लेयर की। कप्तान शानवा सूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमें लगा पांचवें रोज का खेल मौसम की वजह से मुकम्मल नहीं होगा। क्रिकेट के मामला हर सूरत ठीक करूंगा, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। पसे पर्दा बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की कारकर्दगी से नाखुश, अपने रद्द अमल में कहा पाकिस्तान टीम को जिस तरह खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेली। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। चेयरमैन पीसीबी की बांग्लादेश को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। यकम सितंबर से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली। डीजल के निर्ख में 6 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्के। 31 अगस्त को पेट्रोली मसनूआत से मुतालिक हतमी समरी भिजवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्चे में ऑपरेशन के बाद मकवी सिपाही अहमद नवाज को डाकुओं के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की डीपीओ रिजवान उमर गोंदल समेत पुलिस अफसरान और अमले को शाबाश। सिपाही अहमद नवाज और उसके अहले खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डाकुओं का सफाया पंजाब हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी और फर्ज है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, मगवी कांस्टेबल अहमद नवाज घर पहुंच गया। अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की गयी। कच्चे के डाकू 2 रोज कबल माशिका से सिपाही अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए थे। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। उलमाए कराम की कराची के इलाके गोलीमार में मजहबी रैली पर फायरिंग की मजम्मत। शहरियों से शरपसंद नासिर का एजेंडा नाकाम बनाने की अपील। शरपसंद नासिर ने कराची के अमन को खराब करने की साजिश की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबकारों को गिरफ्तार करके गैर जानबदार इंक्वायरी करें। मौलाना औरंगजेब फारूकी की अपील, मक्कार दुश्मन की फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। अल्लामा सैयद नज़ीर अब्बास तकवी का आज़म, मौलाना ताज हनफी और मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी की भी मजहबी मार्च पर शरपसंदी की शदीद मजम्मत। मैं जस नेमतुल्लाह फुलपुटरो सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। और बिला रगबत व अनाथ कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। सीनियर जज जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपुटू ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से अहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, रहनुमा और दीगर ने शिरकत की। जस्टिस नेमतुल्लाह चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के बैरून मुल्क से वापसी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमरीका का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सेशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान में शंघाई तआवुन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक को दावतनामा भिजवा दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई। व
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दौरा पेशावर, जेल काटने वाले कारकुनान और उनकी फैमिली से मुलाकात। अलीमा खान के सामने वर्कर्स ने वजीर आला और दीगर क्यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान के हमरा एमएनए शानदाना गुलजार और पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह भी मौजूद थीं। अलीमा खान का पार्टी क्यादत से नाराजगी का इजहार, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खुद मुहिम चलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा कमाई का जरिया बन गया। केपी हुकूमत के रोजाना की बुनियाद पर स्कैंडल सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है। अमीर मुकाम के तनकीदी बाद खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात को बेदर्दी से काटा जा रहा है। सूबे के अवाम अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ की चलते हुकूमत खत्म करके मुआशरा तबाह की गई, पनामा साजिश हुई, GIT बनी, फैज हमीद बीच में आया और कुछ जजेस ने फैसला सुनाया। PDM अदम एतमाद ना लाती तो वो शख्स चीफ बनने की कोशिश करता जिसे आज कोर्ट मार्शल का सामना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर। हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की भी हाज़री, चादर पोशी की और फूल रखे। मोहसिन नकवी ने मुल्की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखला ने दाता दरबार की तज़ईन और आराइश के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी और पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स के बैन अलाक्वामी सेलिंग मुकाबले में शानदार कामयाबी। श्रीलंका नेवल एकेडमी मनाकिदा सेलिंग के मुकाबले में श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और भारतीय नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने इंटरप्राइज कैटेगरी में गोल्ड और लेजर रेडल कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीलंका नेवल चीफ ने फातह कैडेट्स को मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा। ISPR अमरीका और इसराइल की इंटेलिजेंस का हमास के नए सरबराह की सुरंग तक पहुंचने का दावा। हमजदी टेक्नोलॉजी के जरिए यहिया अल सिनवार की जेर ज़मीन रहायशगाह तक पहुंच गए थे। हमारे पहुंचने से कुछ देर कबल उन्होंने जगह तब्दील कर ली। इंटेलिजेंस हुकाम का यहिया अल सिनवार की फ़ोन कॉल्स पकड़ने का भी दावा। यहिया अल सिनवार 8 बजे का इब्रानी खबरनामा सुनते हैं लेकिन बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। अमरीकी मीडिया। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी फैल्कन्स ने जीत लिया। फातह टीम को वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विनिंग ट्रॉफी दी। फैल्कन्स ने 5,665 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। डच लिक्विड टीम दूसरे नंबर पर रही।